प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा आठवीं का गणित अध्याय दो एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण नंबर आठ है। ये बंसी के पास कुछ सिक्के रुपए दो वाले तथा कुछ रुपए पांच वाले हैं। यदि रुपए दो वाले सिक्कों की संख्या रुपए पांच वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग रुपए 77 है तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम देखें कि सिक्के कौन कौन से हैं। दो हैं, एक दो रुपए वाला है और एक पांच रुपए वाला है। तो मान लियो ये सिक्का हमारे पास जो है वो दो रुपए वाला है और एक सिक्का जो है वो क्या है, पांच रुपए वाला है। ठीक है, बंसी के पास कुछ सिक्के दो रुपए वाले हैं, कुछ पांच वाले हैं। यदि दो वाले सिक्कों की संख्या पांच वाले सिक्कों की संख्या की तीन गुनी होनी है तो ये दो वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, पांच वाले सिक्कों की संख्या की तीन गुनी है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि पांच वाले सिक्के एक से हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, इसके तीन गुने, तो ये हो जाएंगे 3x। ये हमको लिखना पड़ेगा कि माना पांच वाले सिक्कों की रुपए पांच वाले सिक्कों की संख्या एक से है। तो प्रश्न देखो ऐसा लिखते हैं, माना ये रुपए का संकेत रुपए पांच वाले सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या पांच वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, मतलब जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार रुपए दो वाले सिक्कों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, इसके कितने हो, तिगुनी है। तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक, ये तो संख्या आ गई। अब दोनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया है, 77। तो आपको ये लिखना पड़ेगा पहले कि रुपए दो वाले सिक्कों की कुल राशि कितनी हो जाएगी, सिक्कों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, एक तो ये कि उस सिक्के का मान कितना है, दो है, और वो सिक्के कितने हैं, दो वाले सिक्के कितने हैं, 3x हैं। तो 3x तो बराबर कितना आ गया, ये आ गया रुपए 6x। ये दो सिक्के दो रुपए वाले सिक्कों की कुल कीमत हो गई। इसी प्रकार रुपए पांच वाले सिक्कों की कुल कीमत बराबर, एक तो वो रुपए पांच का है और उसके संख्या कितनी है, पांच वाले सिक्कों की संख्या एक से है, तो ये कितना हो जाएगा, रुपए 5x। तो ये दो वाले सिक्कों की कुल कीमत आ गई, ये पांच वाले सिक्कों की कुल कीमत आ गई और उनके मूल्यों को योग कितना दिया है, 77। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है, 77। तो अभी हम रुपए शब्द को देखते हैं, रुपए ये दो वाले सिक्कों की कीमत है, धन रुपए ये पांच वाले सिक्कों की कीमत है, बराबर क्या हो गया, रुपए 77। अभी हम रुपए संकेत को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6x और 5x जुड़ गए, तो ये कितने आ गए, 11x। बराबर कितना हो गया, इधर 77, भाग चले जाएगा 11 का दोनों तरफ, 11 से 11 कट गया, 11 7 77, तो ये क्या आ गया, 1 से बराबर 7 आ गया, 1 से बराबर। अब क्या करना है, अपने को दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो पांच वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, एक से है, एक से का मान कितना आया, 7, ये हो गया 7। दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, पांच वाले सिक्कों की संख्या की तीन गुनी है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 × x का मान है 7, ये हो गया 3 7 21। ये 21 और 7 ये संख्या आ गई। अब अपन इनको चेक करके देखेंगे सही कि नहीं, पांच वाले सिक्के कितने हैं, 7 हैं, तो 5 7 क्या हो जाएगा, पांच वाले सिक्के 7 है ना, ये 7 है, तो 5 7 क्या हो गया, 35। दो रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 21 है, दो वाले सिक्के हैं 21, तो 21 का 2 में गुणा करा तो ये 2 का इसमें गुणा करो, 2 × 2 2 × 2 = 4, उनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 77 रुपए हो गए। ये इसका मतलब हमारा सवाल सही है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।